खुशहाली लाए हैं, गणपति जी की आशीर्वाद से हमने सुख के यह गीत गाए हैं। स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे, मैं हूँ आरती तिवारी और न्यूज की शुरुआत करते हैं। आपका सुख गणेश के पेट जितना बड़ा हो, आपका दुख उधर जितना छोटा हो, आपका जीवन गणेश जी के सूर जितना लंबा हो बड़ा हो, आपके बोल मोदक जैसे मीठे हो। देश भर में आज बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। 10 सितंबर को बप्पा को घर घर में बड़े ही जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ढोल नगाड़े और उतने ही रंग बिरंगे गुलाल से होते हैं बप्पा को उनके स्थान लाया जाता है। इस दौरान बप्पा के भक्त विघ्नहर्ता गणेश जी को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज से अगले 10 दिन तक बप्पा की भक्तों में रेम, उनके भक्त रोजाना गौरी गणेश का नया नया श्रृंगार करेंगे। इसके साथ ही रोजाना नए नए मोदक, पेड़े, लड्डू का बप्पा को भोग लगाया जाएगा। इस दौरान घरों से लेकर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पारण में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। वहीं इन 10 दिनों के बाद ढोल नगाड़े के साथ बप्पा का विसर्जन किया जाता है। आते बड़े धूमधाम से गणपति जी, जाते बड़े धूमधाम से गणपति जी, आखिर सबके पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते हैं गणपति जी। पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। यूनियन डेली न्यूज की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 साल की उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवाने वाली प्रांजल पाटिल ने अपने कमजोरी को कभी नहीं अपने सपनों के आड़ नहीं आने दिया। कम उम्र में ही प्रांजल पाटिल ने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा तो गया, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और हौसले को कभी हारने नहीं दिया। साल 2017 में वह दूसरे प्रयास के यूपीएससी एग्जाम पास कर आईएएस ऑफिसर बनने में सफल रही। प्रांजल पाटिल की न्यूज सुनकर उसके बाद हम सोच सकते हैं कि आंख बंद कर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अगर हमारे अंदर हौसला हो तो, उम्मीद हो और सच्चे दिल से मंजिल को पाने का इच्छा हो, मेहनत हो तो। पॉलिटिक्स में कदम रखेंगी कंगना रनावत। कंगना रनावत ने कहा, अगर मैं राजनीति में आई तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरे पास वह क्षमता है। बीजेपी ने भानीपुर सिटी से किया उम्मीदवार का ऐलान, सीएम ममता बनर्जी को मिले कड़ी टक्कर। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जीतने के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी एसपी 6 टिप सीएम के फॉर्मूला के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुआ हालत के लेकर भारत ने एक बार फिर चिंता जताई है और यूएनसी के बैठक में मुद्दे को उठाया है। यूएनएससी ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीम एस तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शर्क बुर्का पहनकर अस्पताल में महिला वार्ड में घूम रहा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी। बाद में बुर्का पहने शर्क को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये जानते हैं पूरी बात। जगड़न में छिपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ में पता चला है कि बुर्का पहनकर घूम रहा शर्क कोई और नहीं बल्कि अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर गजाला अंजुम का ड्राइवर है। उसका नाम रईस है। आइए जानते हैं पूछताछ में सामने क्या आई बात। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब इरेश से पूछताछ की तो वे इधर उधर की बात करने लग गया। इरेश ने बताया कि वे शैतानों के हवाई होने से बचने के लिए बुर्का पहनता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, बुर्का पहनकर घूमने के पीछे उसकी मंशा क्या है यह जानना जरूरी है। अब
खबरों के मुताबिक आपको बता दूं कि रईस को बुर्का पहनकर अस्पताल के महिला वार्ड में घूम रहा था, तब एक मरीज को उसके चलने का ढंग देखकर शक हुआ। फिर उसने स्टाफ को इसकी जानकारी दी। जब रईस को रुकने के लिए कहा गया तो वह भागने लग गया और दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नाकाम रहा। अस्पताल के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। फिर पता चला कि रईस ने बुर्का के साथ सलवार कुर्ती भी पहन रखा था। पहले लोगों ने रईस को आतंकी समझा था, हालांकि बाद में उसके डॉक्टर का ड्राइवर होने का खुलासा होने पर लोग ने राहत की सांस ली। को बता दूं तो अभी भी पूरी बात सामने आई नहीं है, कार्रवाई जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। पहले इंग्लैंड विकेट बोर्ड ने साफ किया है कि मैनचेस्टर में शुक्रवार से शुरू होने वाले 5वां टेस्ट मैच पहले दिन टाल दिया गया था, लेकिन अब खबर आई है कि यह मुकाबला रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को टीम इंडिया के पीजीओ योगेश परमार के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मच गया था। इसके बाद यह फैसला लिया गया। कहा जाता है कि माँ कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकती, लेकिन इस कथन को तमिलनाडु की एक माँ ने गलत साबित कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु की एक गांव में एक माँ पर उसके प्रेमी लवर के साथ मिलकर 12 साल के बेटे को पीड़ित प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आरोपी माँ ने अपने बेटे पर गरम लोहे पाइप से हमला किया। पड़ोस के एक आदमी ने इस मामले की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन को दी। इसके बाद पूरी मामला का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं तो 35 साल की माँ और 40 साल का प्रेमी बच्चे के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे। एक दिन बच्चे ने जब अपनी माँ से उसके प्रेमी के साथ संबंध और सवाल किया तो दोनों ने गर्म लोहे के पाइप से बच्चे पर अटैक कर दिया। सूचना के बाद मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।